मुंबई के अंदर एक बिल्डिंग है जो 20 सालों से बंद पड़ी है और कहा जाता है कि ये मुंबई की सबसे बड़ी खंडहर बिल्डिंग है, क्योंकि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के टाइम यहाँ टाइम टू टाइम हादसे होते ही रहते थे। कभी कोई वर्कर दीवार के नीचे आके मर गया तो कभी ऊपर से गिर गया, मतलब कोई ना कोई मरता रहता था। फिर अचानक से इस बिल्डिंग का काम बंद हो गया और आज भी उस बिल्डिंग के लिए केयर टेकर्स वॉचमैन है। और वॉचमैन का ये भी कहना है कि साहब सुबह सुबह तो हम भी जाते हैं वहाँ खुद, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में तो उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जाए। और कई सारे यूट्यूबर और ब्लॉगर भी आते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन सुबह आके चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको सच में कुछ देखना है तो लोगों का कहना है कि रात को वहाँ जाओ। वॉचमैन का ये भी कहना है कि आधी रात को अंदर से आदमियों की रोने की आवाज आती है, जैसे कि कोई मर के रो रहा है, यानी मदद की पुकार वैसी आवाज है। वेल, कुछ लोग इस बात को सच मानते हैं और कुछ लोग झूठ। लेकिन अगर फैक्ट्स की माने तो ये बिल्डिंग इनलीगल तरीके से बनी हुई थी, इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसे रेसिडेंशियल परमिट नहीं दिया था, इसीलिए ये बिल्डिंग बंद है।